ओ माय गॉड, जानवर भागो भागो रे। कैदी लोग हैं वो, चोर डकैत जो भी हो। और से ध्यान से देखिए इस प्रकार से, ओके, और इस प्रकार से पकड़ कर उतरू कैसे, देख सकते हैं कितना डेंजरस है। नमस्ते, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आप सबको गया शहर के पहाड़ों पे ले चल रहा हूँ, उसके रहस्य के लिए, उसके व्यू के लिए। और मैं आज आपको बताऊंगा कि ब्लॉग वीडियो कैसे हम बनाते हैं और कैसे शूट करते हैं, तो बने रहिएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से झरना चलता है बरसात के दिन। दोस्तों ये सरयू तालाब की गहराई बहुत है और यहाँ पे महापर्व छठ पूजा होता है, लोग यहाँ छठ करने आते हैं। दोस्तों ये गया शहर के पहाड़ों पर ऐसे दृश्य हैं, ऐसे व्यू हैं। इस ऊंचाई पे चढ़ने के लिए थोड़ा सा कष्ट भी है, बहुत मुश्किल है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे चढ़ना मुश्किल है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, इसलिए मुझे उतरना होगा अब। ओ माय गॉड, अब चढ़ तो गया, उतरू कैसे, देख सकते हैं कितना डेंजरस है। ओ माय गॉड, चढ़ना आसान था, उतरना मुश्किल है। ओ माय गॉड, फंस गया, मैं क्या करूँ। दोस्तों इस पहाड़ की ऊंचाई भी बहुत है, मैं बता दूं कि ब्रह्म योनि पहाड़ जो है इसी पहाड़ से ज्वाइंट है। दोस्तों आपको इसी पहाड़ से मंगला गौरी भी ज्वाइंट हो जाता है। हेलो, इस पहाड़ का लंबाई भी बहुत ज़्यादा है और ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आप पहाड़ पर जंगलों में गए होंगे तो बैर और डिठोरियाँ आपको खाने को मिला होगा। जैसे कि देख सकते हैं ये डिठोरी है, हम लोग इसे डिठोरी कहते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का ये दिखता है। देखिए जस्ट लाइक किस तरह का दिखेगा, मैं इसको खा जाऊँगा, मीठा लगता है और स्वादिष्ट लगता है। ठंडा का मौसम है, पहाड़ पर ये सब देखने को मिलता है। दोस्तों मज़ा आता है खाने में। हम लोग बचपन में बहुत, दोस्तों आपको बता दें कि इस पहाड़ पर महादेव भी विराजमान हैं, हददवा महादेव के नाम से। ओ माय गॉड, जानवर भागो भागो रे। वहाँ पर है बहुत बड़ा सिंह जैसा एक जानवर था, मेरे पीछे आगने लगा, मैं भाग गया। ओह माय गॉड, ओह भाई गॉड, किधर जाऊं, मुश्किल हो गई, यहाँ आना मुश्किल हो गई। दोस्तों मैं बताता हूँ कि इस पहाड़ पर जानवर भी हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ लेकिन कैसे दिखाऊं, दूर में भी है और उसको, उसके पास जाता हूँ तो मेरे लिए खतरा हो जाएगा। वहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे दोस्तों ऊपर देखिए। ओ माय गॉड, एक नहीं है, बहुत सारे जानवर हैं। ओ माय गॉड, यहाँ से निकलना मेरे लिए ठीक रहेगा, ये नहीं मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों
यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा, नहीं तो मैं वीडियो बनाने आया हूँ, ब्लॉग बनाने, मेरे खतरा हो सकता है। ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई पे मैं आया हूँ। देख सकते हैं ये है गया सेंट्रल जेल, गया का जेल देख सकते हैं। और मैं बता दूं कि देखिए वहाँ पर वाइट वाइट दिख रहा है आपको, वो कैदी लोग हैं, वो कैदी लोग हैं, वो चोर डकैत जो भी हो वो देखिए वहाँ बैठे हुआ है जेल के अंदर। और ये देख सकते हैं दोस्तों उसकी ऊंचाई कितनी है, इस पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगर उस जगह पे मैं गया, एक देखिए फ्लैग भी है, अपना तिरंगा भी वहाँ पे लहरा रहा है दोस्तों, उस जगह पे, उस चोटी पर अपना तिरंगा भी लहरा रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, शायद आपको दिख रहा है या नहीं बता सकता हूँ मैं, आप गौर से देखो वहाँ पर तिरंगा है। तो मैं आपको इस पहाड़ पर लाया, गया शहर का जानवर भी आपको दिखा नहीं सका, मुझे दिखा मैं भाग गया, क्योंकि अगर उसको मैं देखने के लिए रुकता तो मेरे लिए शायद घातक मेरे लिए हो सकता था, क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो दोस्तों हम ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, कैसे शूट करते हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए ये फ़ोन है दोस्तों, मैं फ़ोन से ही करता हूँ, ना मेरे पास कुछ कैमरा है, ना मेरे पास कुछ माइक, किसी तरह का कोई सेटअप नहीं है मेरे पास, मेरे पास एक फ़ोन है ठीक है, और मैं फ़ोन से ही ब्लॉगिंग करता हूँ। तो आपको इस फ़ोन को कैसे पकड़ना है, किस तरीके से इसको हैंडल करना है, तो आप देखिएगा ध्यान से। लोग ऐसे भी करते हैं दोस्तों, मैं बता दूं, फ्रंट से देख करते हैं ठीक है, तो इसका क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन आपके बैक कैमरा का क्वालिटी अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, इस फ़ोन को इस प्रकार से पकड़ना है, देखिए इस फ़ोन को इस प्रकार से पकड़ना है, देख लीजिए आप एकदम गौर से ध्यान से देखिए, इस प्रकार से ओके, और इस प्रकार से पकड़ कर आप इसको इस प्रकार से शूट करना है। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, इस प्रकार से शूट करना है कि आपका क्वालिटी भी अच्छा हो और आप कैमरा भी आसानी से पकड़ सके, फ़ोन को भी आसानी से पकड़ सके। इससे आपका क्या फ़ायदा है दोस्तों, देख सकते हैं आप गौर कीजिएगा, इससे मैं क्या फ़ायदा है इस तरीके से पकड़ने का, मैं आसानी से इसको राउंड कर सकता हूँ, आसानी से इसको राउंड करूँगा अपने हाथ को, जैसे मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ ओके, ऐसे शूट करते करते मैं अचानक मैं उधर दिखाना है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हाथ को ऐसा मोड़ देंगे और इस प्रकार से शूट करेंगे, मैं दोनों तरफ का शूट ले सकता हूँ, अपना भी और उधर भी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों मैं किस प्रकार से शूट कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपने देखा बहुत आसानी से, दोबारा आप देख सकते हैं, फोकस कीजिएगा मेरी तरफ। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए मैंने तुरंत आपके तरफ कैमरा को फोकस कर दिया। अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो सहयोग कीजिएगा दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।